दोस्तों Realme का आने वाला नया स्मार्टफोन Realme GT Neo 5 Lite का सारे स्पेसिफिकेशन फीचर्स लीक होकर आ चुका है और ये स्मार्टफोन टेना सर्टिफिकेशन पर भी लिस्ट हो चुका है। दैट मीन्स ये स्मार्टफोन कंफर्म है कि लॉन्च होने वाला है। सो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन फीचर्स की, क्या क्या इस स्मार्टफोन में स्पेसिफिकेशन फीचर्स होंगे, कैमरा क्या होंगे, स्क्रीन कैसा देखने को मिलने वाला है, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में पता चल जाएंगी। सो इफ यू आर एक्साइटेड टू नो अबाउट दिस Realme GT Neo 5 Lite देन स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं दोस्तों, अगर आपको इस तरह की वीडियोस देखना अच्छा लगता है देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, ताकि इस तरह के नए नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आप अपडेटेड रह सकें। क्योंकि टेक्स्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज मैं 2 वीडियो अपलोड करता हूं, सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल ताकि आप अपडेटेड रह सकें। सो सबसे पहले बात करते हैं स्मार्टफोन के स्क्रीन की। स्मार्टफोन में आपको 6.74 इंच की 2K डिस्प्ले मिलने वाली है विद 144 Hz रिफ्रेश रेट। दैट मींस सच में ह्यूज रिफ्रेश रेट देखने को मिलने वाला है। गेमिंग के लिए स्मार्टफोन बहुत अच्छा होने वाला है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये डिस्प्ले AMOLED स्क्रीन है। दैट मींस आपको कलर बहुत अच्छा देखने को मिल जाएगा और सोशल मीडिया स्क्रोलिंग के लिए या फिर वीडियो वॉचिंग के लिए ये स्मार्टफोन का स्क्रीन बहुत अच्छा होने वाला है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिजाइन। तो इसका जो नॉन लाइट वेरियंट है जिसमें आपको नथिंग फोन जैसा आपको एक विंडो देखने को मिल जाता है कैमरे के सामने और अंदर एक RGB लाइट भी देखने को मिल जाता है, जो कि देखने में बहुत अच्छा लगता है। और बहुत सारे रूमर्स ये भी आ रहे थे कि आपको लाइट वाले वर्जन में भी ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी, और बाद में रूमर्स ये भी आने लगा कि इसका जो RGB लाइट है और नथिंग फोन के तरह दिखने वाला इसका ट्रांसपेरेंट विंडो वो देखने को नहीं मिलेगा। बट हाँ, अब ये कंफर्म होता हुआ नजर आ रहा है कि आपको इस लाइट वर्जन में आपको ट्रांसपेरेंट विंडो देखने को नहीं मिलेगा, आपको RGB लाइटिंग देखने को नहीं मिलेगा। बाकी अगर प्रोसेसर की बात करें तो हो सकता है आपको Qualcomm Snapdragon 7 Gen 2 या 7 Gen 1 देखने को मिल जाए स्मार्ट। बाकी अगर प्रोसेसर की बात करें तो हो सकता है इसमें आपको Qualcomm Snapdragon 7 Gen 2 या 7 Gen+1 देखने को मिल जाए, और दोनों में से कोई भी प्रोसेसर हो तो सच में बहुत अच्छा होने वाला है और इस प्राइस रेंज के बहुत सारे स्मार्टफोन को ये कड़ी टक्कर देने वाला है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कैमरा। तो इस स्मार्टफोन में आपको ट्रिपल कैमरे का सेटअप देखने को मिल जाएगा रियर में, जिसमें प्राइमरी कैमरा होगा 64 मेगापिक्सल का, और ये 60 मेगापिक्सल का जो सेंसर होगा वो Omnivision OV64M इसका मॉडल नंबर है। सो ये सेंसर आपको देखने को मिलेगा, अच्छा फोटो कैप्चर कर लेता है और वीडियो भी अच्छा खासा निकाल लेता है। इसी के साथ इसमें आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस एंड 2 मेगापिक्सल का आपको मैक्रो सेंसर देखने को मिल जाएगा। अगर बात करें सेल्फी कैमरे की तो आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा फ्रंट में, और ये भी अच्छा खासा फोटो एंड वीडियो कैप्चर कर लेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बैटरी। तो इस स्मार्टफोन में बैटरी आपको बहुत ही ह्यूज देखने को मिल जाएगा, 5500 mAh की बैटरी विद 100W फास्ट चार्जर। और दोस्तों अभी जितने भी स्मार्टफोन लॉन्च हो रहे हैं ना, ज्यादातर स्मार्टफोन में आपको 66W से अबव चार्जर देखने को मिल जाएगा। सो इस स्मार्टफोन में भी आपको 100W का चार्जर दिया जाएगा और सच में ये स्मार्टफोन बहुत ही क्विकली चार्ज भी हो जाएगा। सो यार, देखना अब ये रहेगा कि कौन से प्रोसेसर के साथ ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होता है, इसमें कैमरा क्या होने वाला है, स्पेसिफिकेशन फीचर्स क्या होने वाले हैं, सारे अपडेट आपको धीरे धीरे मिलते रहेंगे इस चैनल पे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्राइसिंग। तो इस स्मार्टफोन का जो बेसिक वेरिएंट आने वाला है उसका प्राइस आपको देखने को मिल जाएगा 25,000 के अराउंड, और 25,000 के अराउंड अगर ये स्मार्टफोन लॉन्च होगा ना तो मुझे नहीं लगता है कि ये स्मार्टफोन ज़्यादा बिकेगा, क्योंकि बहुत सारे स्मार्टफोन हैं कॉम्पिटिशन में अभी 25,000 के अराउंड में, और इस पर मैंने बहुत सारे वीडियोस भी बनाए हुए हैं, आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं, अंडर 25,000 मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, सो वो भी आप देख सकते हैं। खैर, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कौन कौन सा स्मार्टफोन जो कि इसी की कंपनी का है और वो इसके कंपटीशन में होगा। सबसे पहला होगा Realme GT Neo 3T, जिसमें Qualcomm Snapdragon 870 का प्रोसेसर दिया गया है जो कि बहुत अच्छे तरीके से काम कर लेता है, और इससे तो ज़्यादा अच्छा होने वाला है वो प्रोसेसर। तो देखना यह रहेगा कि लोग कौन सा स्मार्टफोन ज़्यादा लेना प्रेफर करेंगे। वेल, इसमें नथिंग फोन 1 भी आ जाता है इस प्राइस रेंज में ही, और Realme का एक और स्मार्टफोन Realme 10 Pro Plus वो भी स्मार्टफोन आ जाता है, उसे भी आप खरीद सकते हैं, और Samsung का भी बहुत सारे स्मार्टफोन आ जाते हैं, Samsung Galaxy M53 आ जाता है, Motorola का भी बहुत सारे स्मार्टफोन आ जाते हैं। तो देखना ये रहेगा कि लोग कौन सा स्मार्टफोन खरीदना प्रेफर करेंगे, क्या ये Realme का Realme GT Neo 5 Lite बिकेगा या फिर ये सारे स्मार्टफोन बिकेंगे। वेल, लेट मी नो अबाउट यू, विच फोन यू आर एक्साइटेड फॉर, क्या आप कौन सा स्मार्टफोन खरीदने वाले हैं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, ताकि मुझे भी पता चले लोग किस स्मार्टफोन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं और कौन सा कंपनी आपका फेवरेट है ये भी मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। सो या, दैट्स ऑल अबाउट दिस स्मार्टफोन। सलाम, माय नेम इज शाकिर एंड आई विल सी यू in the next one.